हमारे मोदी जी तो पढ़े लिखे नहीं मालूम, 4 साल तक आर्मी लोगों को उनका फ्यूचर बर्बाद करके बाद में पकड़ो तल लोगों ने लगा रहे ना, वो इस पकड़ तलते बैठेंगे हम लोग पढ़ लिख कर। ये वही चाल चल रहे हैं जिस तरह से ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत में हुकूमत करने से पहले एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया था, उसी तरीके से ये आरएसएस के लोग जो कि रॉयल सीक्रेट सर्विस था, आज बदल के राष्ट्रीय स्वयं सेवक हुआ है। ये अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के चमचे, उसी रास्ते पर चलते हुए एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं। जबकि मोहन भागवत कहता है कि हमारा इतिहास नहीं है, हम चाहकर भी इतिहास को बदल नहीं सकते, ये वही चाहते हैं जिस वक्त में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस वक्त में इनका कोई योगदान नहीं था, बल्कि आने वाली नस्लों को अपना योगदान बताने के लिए, फेक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये हिस्ट्री में, ये एजुकेशन सिस्टम में उनका नाम डाल रहे हैं। ये सख्त सख्त कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और सच्चाई के, इंसानियत के खिलाफ है। ये सीधी सीधी चाल आरएसएस का एजेंडा एजुकेशन को सेफ्रोनाइज करने का काम चल रहा है, जिसको हम होने नहीं देंगे। ये इनके बुक्स में जो आरएसएस का पहला चीफ था गोडवालकर, चोर जो था, उसने अपने बुक्स में कहा है कि अगर आपको सत्ता में रहना है, अगर सत्ता चलाना है, तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना ज़रूरी है और अपने 4-5 लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत करना ज़रूरी है। और वैसे ही ये सरकार कर रही है, अदानी अंबानी को लेकर के चल रही है, एजुकेशन में सेफ्रोनाइजेशन कर रही है। इससे पहले भी पॉलिसीज आई जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी सेफ्रोनाइजेशन करने की कोशिश की गई। आज छोटे छोटे बच्चों के पुस्तकों में, छोटे छोटे बच्चों के किताबों में सेफ्रोनाइजेशन करने की बात कर रहे हैं। ये देश को खतरे में डालने का काम है, ये देश को बर्बाद करने का काम है। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी के चाहने वाले लोग हैं, टीपू के चाहने वाले लोग हैं। जब तक हम लोग जिंदा हैं ये होने नहीं देंगे। ये आज का तो बस एक नमूना है। अगर डिवीजन में बुक्स को नहीं रोका गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है उसको नहीं रोका गया, तो इंशाल्लाह इसी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन होगा, गुलबर्गा बंद होगा, डिवीजन बंद होगा। ये जो बीसी नागेश साहब हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं कि उनका दिमाग बौखला गया है। ज़्यादा नॉलेज खतरा होता है, वैसे ही बीसी नागेश जो है ये आरएसएस की आइडियोलॉजी को पढ़ पढ़ कर के पागल हो चुके हैं। ये बौखला गए हैं, बौखलाहट में लिए गए फैसले इसका नतीजा है कि आज स्टूडेंट को सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। मैं पेरेंट्स से आग्रह करता हूँ, आपके बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं। मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन आपके बच्चे हैं। सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, जो सरकार है 31% ऑफ वोट शेयर लेकर के बनी है, 100% वोट शेयर में 31% लेकर के सरकार बनी है, और ये कहती है कि पूरे लोगों के लिए फायदेमंद स्कीम है। अरे बाबा, 4 साल का आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं मिलिट्री में, 4 साल के बाद उसके फ्यूचर का क्या होगा, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। आज एजुकेशन सिस्टम में ये सेफ्रोनाइजेशन कर रहे हैं, एजुकेशन अच्छा है करके बोल रहे हैं। बाबा, आपके घर से तो कोई पढ़े लिखे हैं नहीं, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दे नहीं रहे। अरे अगर कोई डिग्री करता है तो तकलीफ होती है, कोई पीएचडी करता है तो तकलीफ होती है, खुद तो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। खुद अगर पढ़े लिखे होते तो उनको एजुकेशन का महत्व समझ में आता और उनको ये समझ में आता कि जनहित के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। आपने कानून लाए, कृषि कानून लाए, वो भी किसानों के खिलाफ, जीएसटी लाई, वो भी व्यापारियों के खिलाफ, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई, वो स्टूडेंट के खिलाफ, सब चीज़ खिलाफ ला करके उसकी तारीफ कर रहे हैं। झूठा प्रोपोगंडा बंद करिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में आगजनी हो रही है, मैं चेतावनी देता हूँ यहाँ की सरकार को, कर्नाटका की सरकार को और केंद्र सरकार को चेतावनी देता हूँ, अगर आपने गलत कदम उठाना नहीं बंद किया तो भारत देश जल जाएगा और इसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। जो नए सिलेबस आकर पूरे टेक्स्ट बुक को चेंज कर दिए हैं, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुके हैं, हम बहुत देर कर चुके हैं कि आज आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फाइट जारी रहेंगी जब तक ये गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी। और जो आप लोग हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर एक नई हिस्ट्री बनाएंगे हम पूरे यूथ मिलकर, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था हिस्ट्री बनाने के लिए हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। जब हिस्ट्री नहीं रहेंगी तो हम हिस्ट्री कैसे बनाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारी नस्लों को हिस्ट्री की ज़रूरत है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, बसवन्ना है और डॉक्टर विवेकानंद है, बसवन्ना और हमारे टीपू सुल्तान है, ऐसे लोगों की जो उन्होंने फ्रीडम फाइटर थे, वैसे लोगों की हमारे नस्लों को पढ़ाना है, हमारे औलादों को पढ़ाना है, आज़ादी कैसे मिली थी उनको बताना है। ये जो बुजदिल सवाकार है उसकी हिस्ट्री लाकर हमारे बच्चों को गुंडागर्दी सिखाना नहीं हमको। हमको ये सरकार जो बनाकर जो टेक्स्ट बुक में डाल के दे रही है, इसको जल्द से जल्द हटाना होगा, वरना हम आए दिन रोड़ों पे उतरेंगे। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने इतने पढ़े लिखे हैं, शायद उनका दिमाग गोबर चरने चला गया होगा।
अरे आप लोग सोचो समझो क्या हो रहा है आज, पूरे देश भर में दंगे फसाद हो रहे हैं। क्यों आप पढ़ लिख कर भी अनपढ़ जाहिल काम कर रहे हैं? हमारे मोदी जी तो पढ़े लिखे नहीं मालूम, 4 साल तक आर्मी लोगों को उनका फ्यूचर बर्बाद करके बाद में पकड़ो तल लोगों ने लगा रहे हो, वो इस पकड़ तलते बैठेंगे हम लोग पढ़ लिख कर? थोड़ी तो शर्म करो। और जब तक आप हिस्ट्री मिटाने की कोशिश करेंगे और हम नई हिस्ट्री बनेंगे, बस इतना कहते हुए बीजेपी सरकार केळ धिक्कारा 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 मोदी बापलो विरोधी बीजेपी सरकार केळ धिक्कारा धिक्कारा धिक्कारा। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂದರೆ ಸಮಾನತೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಜಾತ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು, ಮೌಢ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾನತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೊದಲಿನ ಥರ ಏನು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅವರು ನೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೋಮರಂಗಳು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತವೆ ಅಂತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂಥ 4 ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಹೀದಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮನುಸ್ಮೃತಿನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಮೊದಲಿನ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ತರಬೇಕಂತ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾಂತಿಗೆ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪೆನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಕೈನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಬೇಕು, ಈ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಕೈನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏನು ಹಳೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಳೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನಂದ ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಕರವೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಬುರಗಿ. ಆಜ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ ಏಕ್ ಹಮ್ನೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಯೆ ಜೋ ಹಮಾರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಜೋ ಮಕ್ಸದ್ ಹೈ ಯೆ ಜೋ ಸರ್ಕಾರ ಹೈ ಯೆ ಜೋ ಸರ್ಕಾರ ಜೋ ಅಪ್ನೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಬ್ ಎಜುಕೇಶನ್ तक लेकर आ रही है उसके लिए आज हमने प्रोटेस्ट किया है. हमने देखा था लास्ट ईयर ये लोग NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे, जब हमने कई प्रोटेस्ट किए थे और बताया था कि एजुकेशन सिस्टम को सेफ्रनाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं. जब हमने जब बेंगलुरु में एक प्रोटेस्ट किया, जब 300+ स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुई और कई अरेस्ट भी हुए थे, आज जब उसका इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया है, जब हम देख रहे हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम को सेफ्रनाइजेशन करे हैं, हम देख रहे हैं जो देश के लिए लड़े हैं, जो देश के लिए आज़ादी दिलाए हैं, उनके चैप्टर्स को कम किया जा रहा है. जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर का चैप्टर कम किया जा रहा है और टीपू सुल्तान के चैप्टर कम किया जा रहा है, और RSS के जो फंडर है हेगड़ेवार उनका चैप्टर ऐड किया जा रहा है, और जो सावरकर है उनका चैप्टर ऐड किया जा रहा है. हम देखेंगे जो ये BC नागेश है ये बोलता है कि हेगड़ेवार एक देशभक्त के लिए जो स्पीच दिया है वो हमने ऐड किया है, मगर हम देखेंगे तो हेगड़ेवार एक टेररिस्ट है. ये जो देश की जो RSS जो ऑर्गेनाइजेशन जो देश में पूरी आग लगा रही है, जो हिंदू मुस्लिम में फसाद कर रही है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हेगड़ेवार का चैप्टर ऐड किया जा रहा है. और हम देखेंगे जो ये टेक्स्ट बुक का कमेटी का जो चेयरमैन बनाए हैं राहुल चक्रतीर्था, वो एक RSS का मेंबर है, इसीलिए उसको बनाए हैं हम. वो एक नालायक है, वो पोस्ट के लिए एक रखता ही नहीं है, उसको बनाए हैं राहुल चक्रतीर्था को. और जो पूरी कमेटी में ब्राह्मण्स हैं, क्या टेक्स्ट बुक का ब्राह्मणीकरण और केसीकरण किया जा रहा है? हमें तो वैसे ही लग रहा है. और जो राहुल चक्रतीर्था है वो जो राष्ट्र कवि हैं कुवेंपु, उनका विरोध करते हैं, उसको क्या बनाए हैं टेक्स्ट बुक कमेटी का चेयरमैन बनाए हैं. और जो नारायण गुरु हैं जो इक्वालिटी की बात करते थे और जो दलितों के लिए और पिछड़े तबकात के लिए लड़ते थे, उनका चैप्टर निकाला जा रहा है. तो ये हमारी ये डिमांड है, ये जो टेक्स्ट बुक का जो अब
दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द यहाँ डिवीजन ऑफिस में रोका जाए। अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो आने वाले दिनों में हम गुलबर्गा पूरा भर के प्रोटेस्ट करेंगे और गुलबर्गा बंद करेंगे और कर्नाटका बंद करेंगे। जल्द से जल्द ये टेक्स्ट बुक को रोका जाए और पुरानी जो टेक्स्ट बुक है उसे ही दिया जाए। आज हम गुलबर्गे असिस्टेंट कमिश्नर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो डिवीजन का ऑफिस है वहाँ पर हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 10-12 ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा एक ही आग्रह है कि ये देश सौहार्द का केंद्र है, कुवेंपु का नाड़ है, बसवण्णा का नाड़ है, बाबा साहब का नाड़ है, ज्योतिबा फुले का नाड़ है। यहाँ अभी हम अमन चैन, सभी धर्म के अमन चैन से हम जी रहे हैं। मगर बीजेपी का एजेंडा एक ही मुद्दा है कि हिंदू धर्म के नाम पर वो ब्राह्मणिज्म कर रहे हैं। हम जनता को भी मनवर्क कर रहे हैं और सरकार को भी, जो सरकार में हमारे लोग बैठे एससी एसटी के ओबीसी के एमएलए बैठे उनको भी बोल रहे हैं आप थोड़ा जागरूक हो जाओ, जनता को भी जागरूक कराओ, आप ब्राह्मण के पीछे मत भागो, जनता के पीछे भागो, आगे आपको कुर्सी मिलता है। ये जो शिक्षण में आप पाठ्यक्रम जो वापस ब्राह्मण की नीति ला रहे इसके खिलाफ आप भी आवाज़ उठिए सदन में बोल के हम आग्रह कर रहे हैं। हम यहाँ पे आज शांतिकित एक 10-15 ऑर्गेनाइजेशन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ये पाठ्यपुस्तक वापस नहीं जाएंगे तो गुलबर्गा बंद करेंगे, डिवीजन बंद करेंगे, हो सके तो क्या प्रोटेस्ट है वो कानून के हिसाब से करेंगे। बजरंग के दड़ा वो आग लगाना, किसी को तो आग लगाने लगाना, ऐसा हमारा नहीं है। हम जो बाबा साहब के संविधान के हिसाब से हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम जीतेंगे, ये हमारा आग्रह है सर। बीजेपी सरकार का मिनिस्टर वापस होना, वो नालायक जो चक्रवर्ती है उसको अरेस्ट करना। यहाँ पर जो एजुकेशन कमिश्नर के ऑफिस गुलबर्गा के जो ऑफिस है, इस ऑफिस के सामने हमने जो नया पाठ्य पुस्तक विरोध ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो नया जो पुस्तक बच्चों को स्कूल में जो लाया गया है उसमें यहाँ के वचनकार का और बाबा साहब के बारे में, बसवण्ण के बारे में, टिप्पू के बारे में और कुवेंपु के बारे में, यहाँ जहाँ सुरपुर के दौरे वेंकटप्प के बारे में, कई महापुरुषों के बारे में जो झूठे लिखाकर वहाँ का उनको अपमान किया है, जो आज जो नया बुक्स आए हैं उसको वो नया बुक्स वापस करना, जो पुराने जो बरगुर रामचंद्रप्पा का जो कमेटी का बुक्स है वही बुक जो सप्लाई करना बोलकर हमारा डिमांड है।